महंगी गाड़ी लोन पे आप बिल्कुल नहीं लेंगे, पैसे की इज्जत करिए। एक स्टेटमेंट है, कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर फॉर यू। आप सबको इस साल जो जो आपने प्लान किया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो, उसमें आप सक्सेस हो। और अगर आप कुछ भी प्लान सोच रहे हो या इमेजिन किए हो, या आपने कुछ बहुत सालों से प्लान किया था और 2024 के लिए प्लॉट किया था, तो वो भी आप अचीव कर पाए। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए गुड लक। स्टूडेंट हैं और कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए गुड लक। तो मेरा नाम धनंजय है, आज मैं 24, बिकॉज 2024 है और इस 2024 में मैं 24 पॉइंट्स लेके आया हूँ जो आपके फाइनेंशियल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐड करने वाला है। तो बड़ा वीडियो तो नहीं बन कराऊंगा, छोटा जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ज़रूर मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा बड़ा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी पेज तक, आखिरी लाइन तक आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। और मैंने इसको मिक्स एंड मैच रखा है, ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट पहले उसके बाद दूसरा एंड तीसरा, इस तरह से मिक्स एंड मैच रखा है। सो यू विल डेफिनेटली लाइक इट, कमेंट करिएगा, बताइएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लोन पे, लोन लेके कोई भी लग्जरी चीज आप नहीं करिए इस साल। ये सारी की सारी चीजें आप वेस्ट करते हैं और एक लाइबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर आप कोई लग्जूरियस वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसका बड़ा थम रूल होता है कि अगर अपने पास कैपेसिटी है तो खरीदेंगे। कोई भी लग्जूरियस चीज़ अगर आप पैसे दे के पूरी तरह अपफ्रंट पेमेंट करके नहीं खरीद सकते हैं तो उसको टाल दीजिए, क्योंकि वो आपके जेब पे भारी पड़ने वाला है और आपको बाद में परेशान करने वाला है। याद रखिए, बड़ा बनिए, बड़ा दिखने से ज़्यादा जरूरी है बड़ा बनना, बड़ा दिखिए मत। दूसरा पॉइंट उसी बात को लेके है कि महंगी गाड़ी लोन पे आप बिल्कुल नहीं लेंगे। लोन पे आप जब महंगी गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले आप एक बहुत बड़ा मार्जिन मनी बैंक को देते हैं। मार्जिन मनी जब आप बैंक को देते हैं तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप 100% तो फाइनेंस होगा नहीं, या मान लो कभी आजकल तो हो भी जा रहा है, बट महंगी गाड़ियों में कुछ मार्जिन मनी देना होगा। रिमेनिंग पैसे पे आप लोन दे ले रहे हो जिसका आप ईएमआई दोगे। उसके बाद गाड़ी का डेप्रिसिएशन, उसके बाद गाड़ी पे पेट्रोल और पर किलोमीटर का खर्चा, ये सब आप पे बहुत भारी पड़ने वाला। और जब आप गाड़ी बेचते हो तो सस्ता हो जाता है, क्योंकि गाड़ी तो शोरूम के बाहर निकलते ही 20-30% डेप्रिसिएट कर जाती है। तो तीसरी बात भी लोन पे ही है। लोन पे मैंने 3-4 बातें कर ली हैं। लोन पे फ्लैट और घर आपको लेना है तो 2-3 बार सोचिए। कई बार आपको लोग बोलेंगे कि इस पे आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इसका इंटरेस्ट टोटल टैक्सेबल पैसे में से डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक लिमिट तक ही होगा। ये आपको अच्छी तरह से पता है, शुरू के कुछ सालों में फ्लैट या घर वाले आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि लगभग अगर आपका 1 लाख का ईएमआई है तो उसमें 90-95,000 तक रुपया इंटरेस्ट का जाता है। तो आप 2 साल 4 साल 5 साल अगर लोन पे करते हो तो पता चलता है कि जो आपका एक्चुअल मनी, आपने जो लोन किया, जो बोरो किया है, उसमें से बहुत मार्जिनली पैसा कम हुआ है। और आपको लगेगा, अरे यार मैंने तो इतना ईएमआई पे कर दिया है। मैं एग्जांपल बता सकता हूं कि कहीं भी बी टाउन या ए टाउन में ही 2 करोड़ का फ्लैट अगर आप खरीदते हैं और उसमें आप मान लीजिए 1 करोड़ का आपने एक तरह से लोन ले लिया और 1 करोड़ आपने मार्जिन मनी डाल दी फॉर एग्जाम्पल, तो 1 करोड़ पे 80,000 से लेके 1,20,000 के रेंज में आपको ईएमआई पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर। यानी आप 80,000 से 1,20,000 अगले 15 से 30 सालों तक ईएमआई दोगे। 1 करोड़ रुपया भी अपना आपने फंसा दिया है उसमें। एप्रिसिएशन फ्लैट का 6% भी पर एनम हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या कई बार तो स्टैग्नेट हो जाता है, बहुत हो गया तो 10% हो गया, 12% हो गया। और आप 80-90,000 1 लाख दे भी रहे हो पर मंथ, वही फ्लैट आपको किराए पे 30-50,000 की रेंज में आराम से मिल जाएगा। और आप चौड़े होके रहो,
पूरा का पूरा मार्जिन मनी जो आपने 1 करोड़ लगाया है वो कहीं इन्वेस्ट कर दो, उसका रिटर्न कमाओ और लेस टेंशन फ्री रहो। अब कई लोग को लगता है यार एक घर तो होना चाहिए, तो एक घर होना चाहिए तो इतना पैसा जमा कर लो कि लोन लेना ही ना पड़े या बहुत थोड़ा सा लेना पड़े, या उतना पैसा रखे हो फिर लोन ले रहे हो तो भी चलेगा। लेकिन पैसा नहीं है और आप लोन ले रहे हो तो अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो ये मेरी बात पे गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कई सारे आप इकोनॉमिस्ट और कई सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हैं, वो भी यही सजेस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, कभी भी एक इनकम पे ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट तो चलो कर सकते हो बट डिपेंड मत हो, सेकेंड इनकम जनरेट करो और वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अदरवाइज हमेशा जिंदगी भर काम करते रहोगे और पैसे की कमी बनी रहेगी, कभी भी आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट, सेव मत करो, सेविंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। यानी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो, आप ध्यान देते हो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, कैसे ग्रो करेगा, तो आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट के तरीकों के लिए इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं। सिक्स पॉइंट, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, कब कौन सी हेल्थ क्राइसिस आ जाए और पूरा पैसा आपका वो स्क्वीज कर ले, खींच ले, ये ना हो, इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, अपने डिपेंडेंट का हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, जिससे कि आपको और आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे और आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। सातवां पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस लीजिए। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ना तो अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। देखो भगवान ना करे उस टर्म इंश्योरेंस की कभी जरूरत पड़े, लेकिन आज की डेट में इतना अनसर्टेन हो गया किसी का भी लाइफ, आपने देखा होगा कई लोग चलते चलते हार्ट अटैक से गिर गए, कई स्टेज पे या माइक पे कुछ बोल रहे हैं, IIT कानपुर के प्रोफेसर का एक आया था गिर गए, तो ऐसे कई सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि अनसर्टेनिटी है अपने घर में अपनी लाइफ के लिए, तो अपना अगर आप टर्म इंश्योरेंस लिए रहोगे तो फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। आठवां पॉइंट है, शेयर मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर इन्वेस्ट करो। ये एक बूमिंग मार्केट है और पिछले 20 सालों में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, थोड़ा बहुत बीच में हिचकोले होता है, लेकिन 20 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली आप कैलकुलेट करते हो, आप इतने मेरे चैनल पे जितने लोग हैं 43-44 ईयर्स तक ज़्यादा वॉच करते हैं, मैंने देखा है जो तो फिर भी आप पीछे भी देखोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो, SIP के थ्रू जाते हो, डायरेक्टली आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो निफ्टी में तो भी, तो आपको उससे बेनिफिट होगा और उससे आपको पैसे ग्रो करने में मदद मिलेगी। कई बार एक रूल लगा सकते हो, 100 माइनस योर एज, जितना डिफरेंस आता है उतना परसेंट आप अपने इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट में डाल सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और रिमेनिंग आप थोड़ा सिक्योर गोल्ड या FD या कोई और मोड में डाल सकते हो। जैसे मैं आपकी एज अगर 40 ईयर्स है तो 100 माइनस 40, 60% आप इक्विटी में डालो और रिमेनिंग, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है आप रिस्क टॉलरेंस आपकी कम हो जाती है, तो सजेस्ट किया जाता है कि निफ्टी में एक्सपोजर अपना घटाइए, क्योंकि कई बार अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई और उस टाइम मार्केट नीचे रहा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं 9th पॉइंट, इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड पे मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे आपका इमरजेंसी फंड हो, क्योंकि इमरजेंसी फंड मतलब कहीं भी किसी भी इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़े तो वो फंड आपके काम आएगा, तो इमरजेंसी फंड बनाओ। 10th पॉइंट, अपने जॉब के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो। ये एक नीड ऑफ द टाइम हो गया, नीड ऑफ द आर हो गया है कि आप अपने हेल्थ पे अगर समय देते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये आपको इफिशियंसी बढ़ाता है, और अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ती है तो आपको आगे चल के काम करने में ज़्यादा काम करने में मदद मिलेगा। हेल्दी रहोगे तो ब्रेन अच्छा काम करेगा, और ब्रेन अच्छा काम करेगा तो नेचुरली आउटपुट अच्छा होगा। उसके बाद 11th पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ। कई बार हमें लगता है हम बहुत पढ़े हुए हैं, अब क्या ज़रूरत है, लेकिन हर बार हमें अपडेट रहना पड़ता है। अपने ऊपर खर्चा करो, इन्वेस्ट करो, छोटे छोटे रिफ्रेशर कोर्सेस करो, कुछ आजकल बड़े सारे फ्री एजुकेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, उसको ज्वाइन करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेस है उसको ज्वाइन करो, मतलब अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट करो। 12th पॉइंट मैं लेने वाला हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, बिल्ड योर ओन करेक्टर। आपकी पहचान कॉरपोरेट वर्ल्ड में,
आपकी पहचान बिजनेस में, आपकी पहचान आपकी सोसाइटी में आपके करेक्टर से होती है। ये बंदा सामने जैसे है वैसे पीछे है। ऐसा नहीं है कि सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, ये दो दो चेहरे लेके मत चलो, ये ध्यान दो। इससे बहुत फर्क पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में भी। 13 पॉइंट है, रिलेशनशिप मत खराब करो। कई बार हम काम करते करते ना अपने आप को समझ लेते हैं कि हम बॉस के अगर बड़े करीब हैं, कंपनी की बात कर रहा हूँ, और हमें ग्रोथ मिल रहा है और कंपनी में हम कंट्रीब्यूट अच्छा कर रहे हैं, तो समटाइम वी स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम द बॉस। वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना कि अपुंच भगवान है, ऐसा कुछ था कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसा मत करो, कॉरपोरेट किसी का नहीं होता। आपने काम करना बंद किया आपको किक आउट कर दिया जाएगा, आपने परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया आपको किक आउट कर दिया जाएगा। जो बॉस आपके बिना एक डिसीजन के, डिस्कशन के, कोई डिसीजन फैसले बड़े नहीं लेता है, आपके जाने के बाद आपका वही बॉस आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आप पास्ट थे उसके लिए हैं और वो अपने फ्यूचर को देखना शुरू करता है। उसके बाद 14 पॉइंट है, अपना एक डिसिप्लिन प्लान रखो। इवन इफ यू आर ऑन लीव, यू आर ऑन हॉलीडे, देन ऑल्सो डिसिप्लिन प्लान। अगर सातों दिन नहीं रखना चाहते हो, एक दिन चीट डे रखना चाहते हो, तो 6 days जरूर रखो, मंडे टू सैटरडे। डिसिप्लिन हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारा टाइम बचाती है और हमें ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। सो डिसिप्लिन तरीका आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। सो मेक डिसिप्लिन प्लान फॉर 6 days, एक दिन इंजॉय कर सकते हो। ये 14 पॉइंट है। सो 15 पॉइंट पे आते हैं, म्यूचुअल फंड से काफ़ी जल्दी और अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। मैं इसे बहुत कमाया हूँ, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर लिया हूँ, लेकिन शुरू से ही मैं इसे बहुत पैसा रिटर्न कमाया हूँ। एक ऐसा मोड है जो आपको बहुत बेनिफिट देता है, और जितना लंबा आप बने रहते हैं इसमें उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर अभी नहीं गए हैं तुरंत एंटर करिए। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ स्टोरी इतनी बढ़ रही है, इस पर भी वीडियो बना रखा है मैंने कि हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है और अभी भी बहुत स्कोप है। तो अगले 10-20 सालों तक तो इसमें ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस, और इंडिया आपको पता है कितना ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पे आपको और लाभ मिलेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इससे आपको हेल्प मिलेगी। कंपाउंडिंग क्या होता है? प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, एंड देन सो ऑन। तो इससे बहुत फायदा होता है। 16 पॉइंट है, बुक्स पढ़िए। बिलीव मी, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है ना हम सोशल मीडिया या यू नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एज में हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो बहुत सारी चीज़ें यू नो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो ये आपका मिथ दूर हो जाएगा। मैं कुछ बुक का नाम बताता हूँ जो मैं पिछले एक सालों में पढ़ा हूँ, 20-30 बुक्स पढ़ा हूँ। कुछ नाम जो मुझे अभी याद आ रहा है, वो एक एटॉमिक हैबिट है, रिच डैड पुअर डैड सब जानते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, लॉ ऑफ वेल्थ एटसेट्रा, बहुत सारी किताबें हैं। इनको आप पढ़िए, आपका दिमाग खुलेगा, आपको नया डायमेंशन मिलेगा सोचने का। 17 पॉइंट है, ओपन टू एक्सेप्ट आइडियाज, सजेशन इवन फ्रॉम जूनियर्स। कई बार हम ईगो में होते हैं, तो ईगो जब हम त्यागेंगे तभी ये पॉइंट 17 पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि आप ईगर दिखाओ। सीखने के लिए आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप ईगर दिखाओगे, चाह दिखाओगे, तो उससे आपको लर्निंग मिलेगी। बात करो, कई बार हम अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, अननोन नंबर नहीं उठाते, उससे आइडियाज़ नहीं आते, हम एक सराउंडेड हो जाते हैं सम लिमिटेड थॉट से। एक्सेप्ट करो, कहीं ऑफिस में आप बॉस हो तो कोई सेल्समैन आ रहा है, उससे मिलो, आइडियाज़ मिलेगा, बिलीव मी आइडियाज़ मिलेगा। हाँ, टाइम अपना बर्बाद करके नहीं, अगर आपके पास टाइम है तभी, नहीं तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आप मिल रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद 18 पॉइंट है कि ईगरनेस टू थिंक, ईगरनेस टू लर्न एंड ईगरनेस टू ट्राई। कोई चीज़ अगर आप एक स्टेज पे हो और यू थिंक ये चीज़ कर सकते हैं बट इसमें रिस्क है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके ट्राई करो। रिग्रेट नहीं रहेगा, अफसोस नहीं रहेगा कि यार ये कर दिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता, इस एक कंपनी की शेयर लेने का मन कर रहा था नहीं लिया, अब ये चला गया 4 times 5 times एक महीने के अंदर। तो अगर आप छोटे छोटे कैलकुलेटेड या थोड़ा बहुत वैसे रिस्क लेने की आपकी क्षमता है तो रिस्क ले लीजिए, इससे खुशी मिलती है। और अगर अचीवमेंट आ गया तो अच्छी बात है, फेल भी हुए तो कम से कम एक लेसन मिलता है। 19th पॉइंट, फेथ इन गॉड, कीप 100% बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखिए।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रेयर है, आपकी प्रार्थना है, आपका विश्वास है, वो सिचुएशन को बदल देता है। भगवान में विश्वास रखिए, पावर देखिए, उसके बाद अपने आप आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। यानी ये जो पॉइंट मैंने 19 दिया ये इंपॉर्टेंट है। 20th ये इनडायरेक्ट फेथ है, मेडिटेट कीजिए एटलीस्ट 4-5 डेज अ वीक। योगा मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी रहेगी और आपके अंदर एक ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी आएगी। क्योंकि देखो ये मैं कह रहा हूं, आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मान लो आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, आप देखेंगे जितने लोग इसको करते हैं उनके चेहरे पे एक तेज आ जाता है और वो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो आप मेडिटेट कीजिए 4-5 डेज हफ्ते में, और संडे को चाहो तो ना करो यार एक आध दिन, बट अगर 7 दिन करते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। 21 पॉइंट जो है, पैसे की इज्जत करिए। एक स्टेटमेंट है, कहावत है कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। यानी पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान की कसम उससे कम भी नहीं है। पैसे की अहमियत आप लोग को शायद अभी तक अगर ना पता चला हो पहले, तो कोविड के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों को, और खासतौर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो कम सैलरीड वाले लोग हैं, उनको पता चल गया था। तो पैसे की कीमत पहचानिए, उसकी इज्जत करिए, और अगर आप इज्जत करेंगे पैसे की तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं होंगे। उसके बाद आ जाते हैं 22 पॉइंट, पिछली गलतियों या कुछ लॉस हुआ हो तो उस पे जाके पछताइए मत, क्योंकि जो बीत गया यू कांट हेल्प इट। आगे वो गलती या उस टाइप की गलती ना हो इस पे काम करिए, क्योंकि जो बीत गया उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट चेंज, कुछ भी नहीं कर सकते। रोने होने से वो सही नहीं होगा, आप उसे बदल नहीं सकते। यानी आप अब उनसे सीखिए और एक अपने अंदर विश्वास लाइए, कमिटमेंट लाइए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं 23, अपने खर्चे, अपना फेलियर को लिखिए, पेन डाउन करिए। खर्चे और फेलियर एक साथ मिला दिया, क्यों 24 से ज्यादा पॉइंट नहीं बन सकते थे। खर्चे अपने पूरे लिखिए, उससे पता चलेगा कहाँ एक्स्ट्रा जा रहा है। गलतियां जहां जहां हुए, फेल जैसे जैसे हुए लिखिए, उससे पता चला कि क्यों हुए ऐसा, क्या रीजन था। तो ये इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं और बहुत हेल्पफुल है ये। 24 पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, नए साल में टारगेट जो भी आप सोच रहे हैं, जितने भी आपके विश है, जितना भी आपका प्लान है, जितना भी आपका गोल है, वो सारे पेन डाउन करिए, लिखिए, चिपका दीजिए कहीं पे। मोटिवेट करेगा पूरे साल। अगर उसको अचीव करके, ओवर अचीव कर लिए तो कॉन्फिडेंस गजब का आएगा, फेल नहीं होने देगा वो आपको, बताएगा कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये मेरा कंप्लीट 24 पॉइंट्स था उन सारे लोगों के लिए जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत नाम कमाना चाहते हैं, अपनी वेलबींग चाहते हैं, अपनी फैमिली की वेलबींग चाहते हैं। तो इट वॉज ऑल, आई होप इससे आपको सीख मिली होगी। सो मैं धनंजय अभी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।